हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो पे जो आप सभी का एग्ज़ाम है, नेशनल मीन्स का मेरी परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 16 जनवरी को था एग्ज़ाम, बट उसको जो है कि परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि अभी COVID-19 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 16 जनवरी को जो एग्ज़ाम था उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल पोस्टपोन करने का फ़ायदा यह हुआ कि हम लोगों को तैयारी के लिए अभी और टाइम है, इसलिए दोस्तों इस टाइम में हम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो उसी की कड़ी में दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो पे हमने मैट के जितने भी पेपर कराए हैं, सॉरी क्वेश्चन जो कि टॉपिक कराए हैं हमने मैट के, तो उसको जो है कि आज के इस वीडियो पे जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक से जो भी मतलब कि हमारे पास प्रश्न है, सभी टॉपिक्स के सभी प्रश्न, एक एक दो दो प्रश्न आज के इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग यही प्रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी नेशनल मीन्स का मेरिट परीक्षा फॉर क्लास 8th के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th के लिए, अगर आप इन दोनों कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्कूली लेवल पे होता है, तो दोस्तों ये जो मेरा जेपी यादव चैनल है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इस चैनल पे इन दोनों ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो में बने रहना, वीडियो में एंड तक लास्ट तक देखना, ताकि आपके जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं वो जो कि रिवीजन हो जाए और अच्छे से वो क्लियर हो जाए, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं जरूर, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और चैनल आपका नाम देख सकते हैं, चैनल का नाम। और अगर आप सभी स्कूली लेवल पे इन दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके आपको इस एग्जाम से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के, है ना। और जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन टॉपिक के, एक टॉपिक के दो तीन प्रश्न हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उसी से हमारा टॉपिक जो है कि रिवीजन हो जाएगा और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, मैं जो है कि बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करता हूँ। और आप सभी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन न्यू डेट नहीं आया है, न्यू डेट आने पर हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो अभी फिलहाल पोस्टपोन है, तो उस समय का उपयोग हम बेहतर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सेट पर एक पेपर के लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, सोशल साइंस का शॉर्ट नोट्स और जो इतिहास है और नागरिक शास्त्र और जो भी संविधान से या नागरिक शास्त्र इतिहास या अर्थशास्त्र जिससे रिलेटेड हमने जो है कि एक PDF तैयार किया है, और उसका वीडियो अलग से है, आप आई बटन के नीचे जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। आप उस PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर उसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सेट का भी हो गया। अब अभी इस वीडियो पे हम मैट के जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके रिवीजन के साथ क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पे उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसमें हमको कितने त्रिभुज है ये बताना है, इसमें वर्ग कितने, इसके त्रिभुज कितने हैं, तो ये जो है कि फिगर काउंटिंग आकृति गिनने वाले टॉपिक का प्रश्न है। आप सभी को बता दूं, ये जो है कि आकृति गिनना टॉपिक का प्रश्न है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया कुल कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि इस तरीके के जो त्रिभुज होते हैं उनको काउंट करने का तरीका क्या होता है, उनको काउंट करने का तरीका यह होता है सिंपल से, यहाँ पे कितने उसके खंड है उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 खंड है, तो
वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और इनको आपस में ऐड कर दिया, तो दो और एक तीन, तीन तीन छः, छः और चार दस, दस इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा, ये तो जो है कि सिंपल से इसमें पूछा गया था कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप ध्यान से देखना, इस तरीके के जो त्रिभुज होते हैं हमें उनमें क्या करना रहते हैं, जो कितने खंड है उसको काउंट करके उसमें नंबर लिख लो, जैसे कि चार चार खंड है तो एक दो तीन चार ऐसे नंबर लिख लेना है। उसके बाद इन जो संख्याएं हैं नंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे कुल वन टू थ्री फोर नंबर थे, मतलब कि फोर खंड थे, तो यहाँ तक फोर नंबर लिखना था उनको, वन टू थ्री फोर, उसके बाद उनको आपस में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दिया, उसके बाद जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वही जो है कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। तो यहाँ पे कुल कितनी त्रिभुज हैं, दस। ये रहा इस तरीके के जो त्रिभुज होते हैं उसको काउंट करने का तरीका। अब देखेंगे इस तरीके के, अब ये जो है कि वर्ग है तो इसको कैसे काउंट करना है देखेंगे। यहाँ पे देखो वन टू थ्री, यहाँ पे वन टू थ्री, यहाँ पे भी वन टू थ्री और यहाँ पे भी वन टू थ्री है। तो आप इसे, मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, इसमें आपको जो सूटेबल रखे आप वो लिख सकते हैं। देखेंगे आप सबसे पहले इधर भी नंबर्स जो आप लिख रहे हैं वो बराबर होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर तीन है यहाँ तक और यहाँ भी तीन है, तो आप यहाँ पे बराबर हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो है कि एक दो तीन, एक दो तीन इधर भी बराबर है, तो अगर आप इनमें कम समय में इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले एक दो तीन और यहाँ पे भी एक दो तीन है, तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनका वर्ग को आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एक का वर्ग, दो का वर्ग और तीन का वर्ग को जोड़ देंगे, तो एक का वर्ग एक ही होता है, दो का वर्ग चार होता है और तीन का वर्ग नौ होता है। इनको जब आपस में जोड़ेंगे इनके वर्गों को, तो नौ और एक दस, दस और चार चौदह, ये कुल वर्गों की संख्या होगी। एक ट्रिक तो ये हुआ, दूसरा ट्रिक ये है, जैसे कि यहाँ पे वन टू थ्री है और यहाँ पे भी वन टू थ्री नंबर्स हैं, तो आपको क्या करना है इसका गुणा इससे कर देना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे वन इंटू वन इक्वल टू वन, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ, दो का गुणा दो के साथ तो दो, फिर तीन का गुणा तीन के साथ तो तीन गुणा तीन नौ, तो नौ और एक दस और यहाँ पे दो तीन चार, तो दस आठ चौदह। तो आपको जो ट्रिक सूटेबल लगे आप वो जो है कि लगा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जो है कि दो ट्रिक हैं वर्ग को काउंट करने का। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने नंबर्स लिखने हैं, इधर भी बराबर होने चाहिए, इधर भी बराबर होने चाहिए, तभी ये वर्ग काउंट करने की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब पता चल गया कि ये वर्ग काउंटिंग का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे वन टू थ्री नंबर्स लिखे और यहाँ पे भी बराबर है, तो जो जितने नंबर्स हैं ना उनके जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर जो वर्ग हैं उनको आपस में ऐड कर देना, जैसे कि एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ। तो जो संख्याएं हमको वर्ग प्राप्त हुई हैं एक चार नौ, इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो चौदह प्राप्त होगा और यही चौदह कुल वर्गों की संख्या होगी। ये तो है पहला ट्रिक। दूसरे ट्रिक की बात करें अगर हम, तो जैसे कि आप यहाँ पे नंबर्स को लिखोगे तो यहाँ पे एक का मल्टीप्लिकेशन एक के साथ करेंगे, दो का मल्टीप्लिकेशन दो के साथ, तीन का मल्टीप्लिकेशन तीन के साथ, इस प्रकार से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उन गुणनफलों को आपस में जोड़ देना है, तब जाके हमको कुल वर्गों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पे हमने वर्ग लिखे वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे भी हमको लिखना है वन टू थ्री फोर, फोर है। अब इनको आपस में सबसे पहले ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, अब इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो टेन होगा, आपको पता ही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक और खंड बन रहा है ऊपर में, ठीक इसी प्रकार से है ना, तो आप या तो यहाँ पे एक दो तीन चार करके इसको और जोड़ सकते हैं, या तो सिंपल से देखेंगे यहाँ पे दो खंड है एक और दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा दो के साथ कर देंगे, तो दस दुनी बीस त्रिभुजों की संख्या। इस तरीके से आप इस तरीके के त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करें देखेंगे, ध्यान से समझेंगे।
यहाँ पे देखिए जैसा कि जो यहाँ पे इस तरीके के जो दान त्रिभुज है उनको कैसे काउंट कर, हमने जितने खंड है उसमें उसमें जो कि उतने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 और उनको आपस में ऐड कर दिया जिससे कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी करना है, कितने खंड है उसमें नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ 4 खंड है तो 1 2 3 4 करके नंबर्स लिखा जाएगा और इनको आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमको 10 मिला। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्षैतिज है यहाँ पे वो कितने खंड है, 1 और 2 खंड है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, या तो आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 करके नीचे में 4 खंड है तो 4 का ऐड करने पर 10 हुआ, अब ऊपर में 4 खंड है तो इनको आप और एक बार ऐड कर लो, फिर जो है कि मतलब कि इसी चीज़ को 2 बार कर रहे हैं और 2 बार करने के बाद आपको 10 10 प्राप्त होगा और उन्हीं को जोड़ देना है तो 20 होगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं हमको लगाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 है तो हमको इनको आपस में जोड़ना है, फिर जो हमको 10 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कितने खंड है, 1 और 2 खंड है ना ऊपर और नीचे तो 2 खंड है तो जो प्राप्त हुआ उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों जो कि फिगर काउंटिंग के प्रश्न हैं इसको इस तरीके से काउंट करा जाता है। ठीक है अब दोस्तों और अभी हमारे पास और प्रश्न है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके टॉपिक्स को जो है कि प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऐसी वीडियो हम जो है कि 4 से 5 वीडियो लाएंगे जिससे आपका टॉपिक एकदम से रिवीजन हो जाए। तो ठीक है ये आकृति लिखने का हुआ, अब हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक का प्रश्न आपके सामने अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है तो गाइस जैसा कि आप ये हमारे पास जो है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं, यहाँ पे हमने इसके 2 प्रश्न लिए हैं है ना। तो पहला प्रश्न क्या है देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनरल वर्ड को हम ELGJAN लिखा जाता है तो ठीक उसी सांकेतिक भाषा में जो भावान PHAWAN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसकी बात करें तो हमने एक टॉपिक पढ़ा अक्षरों का आगे पीछे के क्रम से बदलाव, तो हम इसमें देखते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जंगल ये वर्ड जो है कि है और इसको पूर्णबद्ध किया गया है ELGJAN, ये पूर्णबद्ध किया गया इसके नंबर से देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 6 लेटर्स है, अब इसका जो कूटबद्ध वर्ड है वो ये है। अब इस पे आप देखोगे कि जो ई है वो 6th नंबर का, फिर 5th नंबर का एल, फिर 4th नंबर का जी, फिर 1st नंबर पे जो जे है वो, फिर 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पे एन। तो कुछ इस प्रकार के क्रम से जो है कि इसको चेंज करके जो क्रम है उनको आगे पीछे करके इनको कोडबद्ध किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें जो भावान जो वर्ड है उसके लिए बताना है। तो समझिए देखिए इसमें क्या हुआ है, भावान पे BHAWAN तो इस पे क्या हुआ है देखिए इसमें कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें थे, 6 इसमें भी है। अब इसका कूटबद्ध करने के लिए इसका क्रम क्या है 6 5 4 1 2 3 6 नंबर पे एन, 5th नंबर पे क्या है ए, 5th नंबर पे ए है, 4th नंबर पे डब्ल्यू, फिर 1 नंबर पे बी, 2 नंबर पे एच, 3 नंबर पे ए। तो जो कूटबद्ध लेटर है वो इस प्रकार से इसका आंसर आपको प्राप्त होगा। ठीक है ये जो है कि इसका आंसर होगा। ठीक है तो देखो ये जो है कि सिंपल से जो अक्षर है उनके क्रम को अदला बदली है, जो क्रम है उनको आगे पीछे कर दिया गया। जिसकी जंगल है तो एक वर्ड है इस पे कितने लेटर्स हैं 6 लेटर्स हैं तो ये इनका एक क्रम है 1 2 3 4 5 6, बट इसके जो कूटबद्ध लेटर हैं अगर उसके वर्ड को देखें और उनके लेटर्स को देखें तो इन्हीं में से बस इनके जो लेटर्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया गया। जैसे कि देखो नंबर्स पे भी मैच करते हैं तो 6 5 4 1 2 3 और जो लेटर्स हैं इसी नंबर के बेस पे वो जो है कि जमे होंगे है ना। तो ELGJAN वो कुछ ये वर्ड में कूटबद्ध है, तो जैसा जंगल इसमें कूटबद्ध हुआ है इस प्रकार के वर्ड्स में
तो ठीक है, हमको जो भावानुपात है उसको करना था, तो हमने क्या किया, भावानुपात लिखा सिंपली। अब उनके नंबर्स देखे कि यहाँ पे कुल कितने लेटर्स हैं, उनके नंबर्स लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर थे हमने लिख लिए। अब इसके जो कुल लेटर थे उसके लिए इनके नंबर्स के क्या थे क्रम, 6 5 4 1 2 3। और इसी प्रकार से हमने जो लेटर्स हैं उनको जमाया, तो हमको एन ए डब्ल्यू बी एच ए के रूप में आंसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों भावान के लिए क्या लिखा जाएगा, तो सिंपली इसका आंसर होगा एन ए डब्ल्यू बी एच ए, ये जो है कि इसका आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होता है। सेकंड प्रश्न देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैन के लिए कोड संख्या 42 हो तो सन के लिए कोड नंबर दिया जाएगा। तो सिंपली समझो रैन, रैन पे आर कितने नंबर पे है, 18, आर 18वें नंबर पे है। जब इसके नंबर काउंटिंग को देखेंगे, ए फर्स्ट नंबर पे है, आई 9वें नंबर पे है, एन 14वें नंबर पे है। अब इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो कुल हो जाएगा 52, और यही जो है कि इसको 52 कोड कर देखे गए। तो हमको इसी प्रकार से सन के लिए करना है। तो एस इसको मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे 42 होगा, 52 नहीं होगा, ऐड करते हैं। देखो 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 18 कितने हो जाएंगे, 28। 28 और 14 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 8 में 1 2 और 2 4। तो इसको 42 से कूटबद्ध किया गया है हाँ? अब देखो आर आर के लिए 18 था, आर के बाद क्या आता है एस, तो एस के लिए 19, ठीक है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो यू के लिए 21, एन के लिए 14। अब इनको ऐड करते हैं तो 1 4 और 1 5 5, और मतलब 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14, 14 का 4 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो सेम के लिए जो है कि 54 जो है कि कोडबद्ध लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसके प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे अक्षरों के जो अंकी कोडिंग टॉपिक है ये उसका प्रश्न है दोस्तों। अब ये अक्षरों का आगे पीछे को क्रम से बदलाव करके इनको कोडबद्ध किए गए हैं। सिंपली इसमें क्या है, रैन रैन वर्ड पे जो लेटर्स हैं उनके नंबर्स को ऐड कर दिया, जैसे एर आर कितने नंबर पे, 18, और ए फर्स्ट नंबर पे, और आई का 9वें नंबर पे, एन 14वें। तो इनको जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 42 होगा, और इसको 42 के लिए इसको कोडबद्ध है, जो कोड दिया गया है, नंबर दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से सन के लिए अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो 54 इसका आंसर प्राप्त होगा। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी के लिए और भी प्रश्न हैं, और जितने उसके हम प्रश्न करेंगे, बट वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि कई लोग इसमें बोरियर हो जाते हैं, कॉमेडीज वगैरह करना चाहिए बीच में, मैं बहुत चीज़ें करता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा देखना और चेंजेस लाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, बीच बीच पे होना चाहिए यार, कॉमेडीज वगैरह पढ़ते पढ़ते दिमाग बोरिंग होने लगता है, ये चीज़ें होती हैं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा सामान्य गति से पढ़ो, तो एकदम से लेवल ज़्यादा आईक्यू करना भी कई बार बेकार होता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये तो खैर सॉल्व होते हैं, और भी मेरे पास प्रश्न है, जिस टॉपिक पे हमने प्रश्न पढ़ लिया उसी टॉपिक का प्रश्न होगा, ये तो आप लोगों को खैर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए और भी प्रश्न है मेरे पास, मैं अभी आपके लिए प्रश्न सामने रखता हूँ, फिर सॉल्व करना भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए गैस, अब मैं जो है कि मेरे पास क्वेश्चन है, विलुप्ति पर टॉपिक हमने पढ़ा था, तो मैं उसके प्रश्न आपके सामने चीजें रखता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है विलुप्त पद का, पहला प्रश्न ये ऐसा कुछ त्रिभुज है, 6 8 12, और ये फिर अंदर पे 72, फिर ये है 6 2 4, यहाँ पे 6 है, और फिर एक और त्रिभुज है जहाँ पे अपन को बताना है आंसर 140, एंड देन ये यहाँ पे क्या आ गया। तो समझो यहाँ पे सीधा सीधा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस पर क्या ट्रिक लगा है,
देखो इसमें क्या हुआ है, ये जो तीन जो संख्या है बाहर भी दे दिया है ये है ना, ये जो संख्या दी है तो इनमें आप उनको क्या करना है, सिंपली इनको दो से भाग देना है। तो ये दो से भाग देंगे तो तीन, इसको दो से भाग देंगे तो छः, अब इनको आठ से, आठ को दो से भाग देंगे तो फोर, अब इनका आपस में गुणा करोगे तो 3 6 18 18 4 72, और ये 72 त्रिभुज के अंदर दिया है। अब ठीक इसी प्रकार से इनमें भी हम करते हैं, तो दो का गुणा सॉरी दो को हम भाग देते हैं तो छः को भाग देंगे तो 3 2 3 6 2 2 4, और ये 2 1 2 3 2 6 6 1 6 त्रिभुज के अंदर दिया है। अब ठीक इसी प्रकार से हमको यहाँ पे इस विरुद्ध पद के जगह कौन सा संख्या आएगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसको 2 से भाग देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको दे लेते हैं, तो 10 10 को भाग देंगे तो 5, 8 को भाग देंगे तो 2 चौक 8, अब इसके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ऐसा नंबर सोचना है जिसको भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 7 प्राप्त होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखो 14 ऐसा नंबर है जिसको अपन हम 2 से भाग दें, अगर उनको सॉरी इसको मैं अगर 2 से भाग दूँ, है ना, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 7 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम बैठे हुए 14 ले तो 2 7 14, 5 और 20 और 7 14 और 0, तो ये 140 इसके अंदर आते हैं, तो 14 इस विलुप्त पद के अंदर आया। तो इस तरीके से ये प्रश्न हुआ। अब मेरे पास और प्रश्न है, मैं अब आपको और सॉल्व कराता हूँ। ये तो क्लियर हुआ ना, इसको आप लोग करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, सोच रहा हूँ लाइव क्लास लूँ, लाइव क्लास लेना मुझे कोई नहीं, ठीक है, लाइव आना आप लोग, शेयर करना, ठीक। तो चलो फिर और है मेरे पास प्रश्न विलुप्त पद के, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, नीचे पे 25 है, ठीक है। और एक और प्रश्न है 2, यहाँ पे 7 है ना, नीचे पे 53 और यहाँ पे 5 1 नीचे वाले 4 है, ठीक। तो देखो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, जो ऊपर की संख्याएं हैं जैसे कि 4 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, इसको नीचे में दिया है। अब इसको देखो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा, 53, नीचे में दिया है। अब ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी करना है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 26, तो इसका आंसर 26 होगा। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करा जाता है। विलुप्त पद के आप जितना ज्यादा अपना माइंड यूज करोगे ये उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आपका IQ लेवल भी तेज होगा, इसको याद रखना। ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक रहता है विलुप्त पद, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो और प्रश्न कर सॉल्व कराता हूँ, जितना हो सके आप प्रश्न सॉल्व करो जिससे आपके डाउट्स क्लियर हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पे मैं बहुत सारा अगर टॉपिक पूरे पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चन कराऊँ मैं तो बहुत है क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ टॉपिक से एक एक करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। एक ब्रिक है ऐसा और ये 4 पार्ट्स को डिवाइड है, ये कुछ ऐसे प्रकार से, ये एक और है ऐसा, अगर यहाँ पे अपन को
देखो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा सीधा मैं मैथ समझा रहा हूँ। 5 और 4 को सबसे पहले ऐड करोगे तो 5 4 9, फिर इसको बाद में मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ठीक इसी प्रकार से इसमें करेंगे, ऐड करेंगे 8 3 11, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 3 8 3 24, 5 24, और इनको जब ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, फिर इसको 8 3 को ऐड करेंगे तो 11, अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 3 24। अब इसको देखो सबसे पहले ऐड करा 9 4 13, फिर क्या करना है गुना 9 4 36, तो आंसर हो गया 36। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करा जाता है। ये तो रहा विलुप्त पद के प्रश्न। अब मैं आपके सामने लाने वाला हूँ दिशा के प्रश्न। दिशा के प्रश्नों को समझेंगे और एक टॉपिक श्रेणी और जो बैठक व्यवस्था है ना उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसके प्रश्न नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलो मैं जो है कि थोड़ा सा दिशा के 2-3 प्रश्न कराता हूँ, क्योंकि उसके देखो एक पाइथागोरस वाला फंडा था और एक अपन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिशा वाले जो प्लेलिस्ट है उसको आप अच्छे से देख सकते हो, उस पर अच्छे से बताया गया है। ये तो रहा, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो मेरे पास दिशा के कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, फिर पासा भी है। पासा सबसे शुरू मैंने टॉपिक शुरू कराया था पासा के, आप चलो कुछ उसके भी प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद भी सके करेंगे। अब ये थोड़ा बहुत उसका भी रिविजन है। ठीक है, पता चलेंगे। चलो देखो, टू टाइप से होते हैं पासा, मानक पासा और साधारण पासा, आपको तो पता होगा। अब मानक पासा में होता क्या है, को भी दो टाइप्स को ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए, तो वो मानक पास है, और नहीं हो रहा तो वो साधारण पास है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके विपरीत फलकों को ऐड करने पर 7 होता है, वो मानक पास है, और जिसकी आसपास के फलकों को कर रहे हो ना तो नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे काफी प्रश्न है मेरे पास। ठीक है, उनके कुछ टॉपिक्स भी रहते हैं तो कुछ समझ गए कि आप कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो दो पासों पे गैप लेकर के पूछ रहे हैं। 3 6 2 3 4 5, अब आप इसमें देख पा रहे हैं। अब देखो इसमें हमको क्या को लग गया, इसको समझना, 3 4 और 5 का विपरीत फलक पूछा गया है, तो देखो इसमें क्या करना है, बता रहा हूँ विपरीत फलक। तो देखना इसपे देखो, 3 दोनों पासे में कॉमन है। चलो भैया ये कॉमन है, अब मैंने आपको पढ़ाया था ये सबसे पहली बात सुनिए, साधारण पास है 4 प्लस 3 7, तो आस पास के जो फलक है उनको ऐड करने पर 7 हो रहा है, तो ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा में हमको विपरीत फलकों को ज्ञात करने को कुछ टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं, जब कोई एक संख्या कॉमन हो, 2 संख्या कॉमन हो, और जब कोई संख्या कॉमन ना हो। तो इसमें हमको प्राप्त हुआ कोई एक संख्या कॉमन हो, तो इसमें हम उपयोग करते हैं सुमेल विधि। सुमेल विधि जिसको बोला जाता है, बड़ा आसान है, जो कॉमन है वहां से आपको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन पे घुमाना है। तो मैं फिलहाल अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाता हूँ, तो ये जो है कि 3 2 6 कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर उस पास को क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाए तो 3 5 4 होगा। तो 6 के विपरीत फलक पे 4, 2 के विपरीत फलक पे 5, अब 3 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, जो यहाँ पे संख्या दिखाई नहीं दे रही, पासे पे 6 फलक होते हैं 1 से लेकर के 6 तक, तो इस पे 2 3 4 5 6 दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 1 के विपरीत फलक पे है। तो जो कॉमन संख्या रहती है उसका विपरीत फलक कौन सी संख्या होती है, जो संख्या एक्चुअल में यहाँ पे दिखाई दे ही नहीं रहा है वो इसके विपरीत फलक पे होता है। ये रहा जब एक संख्या उभयनिष्ठ रहते हैं, कॉमन रहते हैं।
अभी मैं आपको दो जो है क्यूब है, दो जो है क्यूब है निस्टो, तब किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, और अगर कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कोई भी संख्या कॉमन ना हो ये पूछ ही नहीं जाता है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सुमेल विधि का उपयोग करके इस पासे के जो एक संख्या कॉमन है उसको सुमेल विधि से बनाया जाता है। देखो इसका एक और प्रश्न लेते हैं, इसको हम गिनती के रूप में ले लेते हैं भाई, जब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, ठीक है पाँचवें, अब यहाँ पे तीन तीन है, तीन बिंदु यहाँ पे हुए, और यहाँ पे एक दो तीन चार बिंदु, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः बिंदु, ठीक है। अब इसमें हमको क्या बताना है, किसके विपरीत फलक पे अपन को बताना है, तीन के तीन बिंदु के विपरीत फलक पे। तो सिंपल से इसमें कौन सा संख्या कॉमन है जिसमें हम देख पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन है कॉमन, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया वैसे लग रहा है। अच्छा ये वाला जो कि चार है, अब देखेंगे ये वाला चार बिंदु, ये वाला चार बिंदु कॉमन है, अब हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये बात ध्यान में रखना है। घुमाते हैं तो इसका फोर टू वन, और इसका फोर थ्री सिक्स, तो क्या होगा ये एक के विपरीत फलक पे छः, दो के विपरीत फलक पे तीन, और जो दिखाई नहीं दे रहा है पाँच, वो एक्चुअल में कॉमन संख्या चार के विपरीत फलक पे है। तो ये जो है कि कोई एक संख्या उभयनिष्ठ रहता है तब इसको हम जो है कि सुमेल विधि बोलते हैं, इस विधि का उपयोग करके ही इसके प्रश्न को बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है सुमेल विधि, आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आप और प्रश्न देखते हैं, ये तो रहा, अब थोड़े से मैं एक प्रश्न दिशा का कराता हूँ, फिर वीडियो एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाने से बोरिंग लगता है, ठीक है। एक प्रश्न है डायरेक्शन का, मेरा चेहरा पूर्व दिशा दिशा की ओर है, मैं बाहिने तरफ दक्षिणा वर्त 90°। देखिए बाहिनी तरफ ये गलत है, मैं दक्षिणावर्त 90° घूमता हूँ, ठीक है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180° घूमता हूँ, वर्तमान में मेरा चेहरा किस दिशा में, ये प्रश्न है हमारा, और ये जो कि दिशा के प्रश्न है, और ये जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कोण की माप होते हैं ये उनसे रिलेटेड प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं ये होता है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और एक होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा।
अब इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपने पास होना चाहिए दिशा का ज्ञान, और इसके डिटेल्स को आपको जानना है तो आप पहले प्रीवियस को देखेंगे तब से समझ में आ जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 90 अंश का होता है पता ही है आप सभी को। तो सबसे पहले बंदा बोल रहा है कि मेरा चेहरा पूर्व डायरेक्शन पे है, ठीक है, और मैं पूर्व दिशा की ओर हूँ। अब मैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कैसे घूमता है, ऐसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो मैं दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता हूँ, तो वो यहाँ से ऐसे 90 अंश घूमता है, अब वो दक्षिण दिशा में है। अब घड़ी के सुई के उल्टी दिशा, तो उल्टी दिशा कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन पे, तो इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन पे, वो जो है कि 180 अंश घूमता है, तो यहाँ से 180 अंश, ये 90 और ये 90 कितना हुआ 180 अंश। वर्तमान में उसका चेहरा किस दिशा पे है, वर्तमान में उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, तो ये इसका आंसर होता है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले बंदा का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था, अब घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घुमा तो वो दक्षिण दिशा पे है, अब यहाँ से घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में 180 अंश घूमता है, तो ये 90 और ये 90 इनको कोण के बीच में 90 अंश का झुकाव बनता है, कोण बनता है, तो ये 90 और 90 मिलकर 180 अंश हुए, और 180 अंश घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घूमता है, तब जाके वो अभी वर्तमान में उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मस्त रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स, बने रहिए, लगे रहिए, जब तक मंजिल ना मिले तब तक उसको तंग करो, परेशान करो कि वो झक मार के तुमको वो चीज़ें जो चीज़ चाह रहे हो तुम उस चीज़ को तेरे को दे। तो इतना मेहनत कर, बस आज के इस क्लास पे इतना ही, थैंक यू।